नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तपस और आप देख रहे हैं इजी टेक। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे लैपटॉप में सेकेंड हार्ड डिस्क लगाता है और काम कैसे करता है। तो सेकेंड हार्ड डिस्क लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, लैपटॉप में सेकेंड हार्ड डिस्क लगाने के लिए आपको जो जानना पड़ेगा वो है आपका लैपटॉप में डीवीडी राइटर या कोई ऑप्शन या डीवीडी ड्राइव का कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो मेरा जो लैपटॉप है, देख सकते हैं डेल का लैपटॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डीवीडी राइटर का ऑप्शन है। तो डीवीडी ड्राइव का ऑप्शन है तो मैं जो सेकेंड हार्ड डिस्क लगाऊंगा इसको रिप्लेस करके लगाऊंगा, मतलब डीवीडी राइटर जो है काम नहीं करेगा। तो अभी फिलहाल जो काम चल रहा है तो उसमें मेरा डीवीडी राइटर नहीं लग रहा है। आपका डीवीडी राइटर जरूरत है तो आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि आपका डीवीडी राइटर भी जरूरत है। चाहे तो आप डीवीडी राइटर हार्ड टाइम यूज़ नहीं होता है, आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डीवीडी राइटर लेके काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो करना पड़ेगा, पहले आपको इसका जो डीवीडी राइटर है उसका कैसे डीवीडी राइटर है वो जानना पड़ेगा। इसके लिए जो डीवीडी राइटर है उसको खोलना पड़ेगा। तो हर लैपटॉप में एक ऑप्शन रहता है, वो है एक स्क्रू रहता है जो डीवीडी राइटर को या डीवीडी ड्राइव को कंट्रोल करता है ओपन या क्लोज, मतलब फिक्स करने के लिए। तो इस लैपटॉप में आप देख सकते हैं जो ड्राइव है सीधा आ जाइए, एक स्क्रू आपको दिखाई देगा, ये है आपका डीवीडी ड्राइव का स्क्रू है। तो इसको पहले ओपन कर लीजिए। तो ये स्क्रू ओपन हो जाएगा तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए, जो डीवीडी राइटर है इसको ऐसे ओपन कर लीजिए और इसका जो थिकनेस है वो आप चेक कर लीजिए, इसका थिकनेस 9.5 है या 12 है। आपका पुराना वाला लैपटॉप होगा तो ये 12 होगा, लेकिन नया वाला लैपटॉप जो आता है वो 9.5 mm का डीवीडी ड्राइव आता है। तो आप पहले उसको चेंज देख लीजिए और उसके हिसाब से आप वेबसाइट से खरीद लीजिए। तो मेरा ये 9.5 mm का है, तो मैं 9.5 mm का जो डिस्क ड्राइव होता है, मतलब डीवीडी राइटर को रिप्लेस करके डिस्क ड्राइव है, वो मैं ऑर्डर करूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने मार्केट से ख़रीदा हूँ या आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो मैं इसको ऑर्डर किया था पेटीएम पे, तो मेरे को 3 दिन पे मिल गया आराम से। तो ये जैसे डीवीडी राइटर का जैसे है, लेकिन यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क का केसिंग दिया हुआ, मतलब इस यहाँ पे आप हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक 1 TB का हार्ड डिस्क है जो इसको मैं लगाऊंगा, एक 2 TB का हार्ड डिस्क है। तो एक्चुअली मेरा जो लैपटॉप है उसमें इस हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके मैं वहाँ पे SSD लगाया था। तो अभी जो ये हार्ड डिस्क है मैं इसको यहाँ पे लगा के डीवीडी राइटर में जो ड्राइव है उसमें लगा दूंगा और इसको हार्ड डिस्क को एक्सेस करूंगा कंप्यूटर से, और 1 TB ड्राइव भी मैं बना लूंगा। तो पहले जो करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्लास्टिक का ब्लॉक है, मतलब ये जो वाला ब्लॉक है ये लैपटॉप के लिए है, तो इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद हार्ड डिस्क को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स गो। तो प्लास्टिक कवर को रिप्लेस करने के लिए जो डीवीडी राइटर है इसको पहले ओपन कर लीजिए। पुराना वाला डीवीडी राइटर है उसमें से 2 चीज़ खोलना पड़ेगा, एक है प्लास्टिक का क्लिप जो लैपटॉप का साइड है, और एक है आपका ये वाला क्लिप जो स्क्रू के साथ आपको लगेगा लैपटॉप में। तो ये वाला क्लिप जो है इसको खोलने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक है। तो यहाँ पे जो लॉक है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये लॉक को थोड़ा सा प्रेस कीजिए और इसको ऐसे बाहर की तरफ कीजिए, निकल आएगा और इसको ओपन कर लीजिए। तो आपका डीवीडी राइटर का ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को आप खोल लीजिए तो ये भी ओपन हो जाएगा। तो ये जो क्लिप है आप देख सकते हैं जो इधर साइड है, तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, इसको ऐसे लगाना पड़ेगा आपका इधर साइड में। तो इसके लिए ऐसे इसको पहले साइड को प्रेस कीजिए, लग जाएगा। इसके बाद ये वाला भी आप थोड़ा सा प्रेस करके भी लगा दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लग गया और सही से लग गया। तो अभी देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क है, ये 1 TB का हार्ड डिस्क है, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। इसको लगाने के लिए ये जो पोर्ट है
आप देख सकते हैं सटा केबल और पावर केबल का पोर्ट है, ऐसे लगेगा। और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेस करना है। तो और एक चीज़ आप देख सकते हैं, जो मिडिल है, मिडिल सही से ऊपर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको प्रेस करने के बाद धीरे धीरे ऊपर चला गया और ये मिडिल ऊपर की तरफ आ गया। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो स्क्रू है, स्क्रू का ऑप्शन यहाँ पे जो है, स्क्रू पे स्क्रू मिल जाएगा। तो दूसरा आपको मिलेगा तो साइड पे भी स्क्रू मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रू मिल जाएगा और इससे आप टाइट भी कर सकते हैं। और इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको स्क्रू लगाना पड़ेगा। सारा स्क्रू को आप टाइट कर लीजिए तो आपका सेकेंड हार्ड ड्राइव या सेकेंड हार्ड डिस्क जो है तैयार हो जाएगा। तो अभी इस क्लिप को लगाना पड़ेगा, तो इस क्लिप को लगाइए ऐसे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो जैसे देखिए ऊपर वाला साइड में, तो इस क्लिप को ऐसे लगाना पड़ेगा। ये लगाने के बाद जो करना पड़ेगा आपको, इस ड्राइव को आपका लैपटॉप में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, सिंपल ऐसे इंसर्ट कर लीजिए। तो इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्कूला, यहाँ पे जो स्कूल खुला था हम लोग, तो उसको लगा दीजिए फिर से। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है उसका मैनेज पे जाके, आप डिस्क मैनेज पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे दो हार्ड डिस्क दिखाएगा। और यहाँ पे भी जो माई डिस्क पीसी है, डिस्क पीसी भी आपको दिखा रहा है। देखिए ये जो टाइप दो था, यहाँ पे चार आ गया। तो पहले डिस्क देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए डिस्क मैनेजमेंट पे जाइए और आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि दोनों डिस्क यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे इंटरनली दो है, एक है ये SSD है मेरा और एक सेकेंड है ये 1 TB का हार्ड डिस्क है, और जो DVD राइटर जो है उसमें लगा है। तो एक साथ हम लोग आपका जो लैपटॉप है या लैपटॉप में, तो एक साथ दो हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।